क्रेजी हो गया यहाँ पे। पहुंच गया हूँ, समय हो रहा है सुबह के। वाह, छोटे ऐसे ऐसे पेड़ हैं। टू वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज टेंगबन लुंटू चकोलिंग। और एक चीज आप देख सकते हैं कि फेमस फुटबॉल है, इनसे कहा जाता है बाइक साथ गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। और ये मेरा पीछे होम स्टे है। अभी रेडी हो गया हूँ, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यार एक्सप्लोर करना है लांगजा कॉमिक और हिकिम, तो वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे जाने वाले हैं आज। तो निकलते हैं, अभी बाइक हो रही है कोल्ड स्टार्ट। सामने देखे गाइस, वहाँ भी फ्लैग बने हुए हैं, दो कितना खूबसूरत लग रहा है। और आज मौसम एकदम सनी है, धूप आई हुई है, ब्लू स्काई है। तो गाइस आज की राइड शुरू करते हैं, लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। तो गाइस आज का प्लान ऑफ एक्शन ऐसा है, कल मैं गया था की मोनेस्ट्री, कीबर, चिचम ब्रिज, तो आज एक और पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का, जो कि है हिकिम, लांगजा और कॉमिक। हमेशा मैंने वीडियोस में देखी है, तो आज लाइव उनको देखेंगे। तो गाइस बने रहे वीडियो में। तो यहाँ से हम मुड़ जाएंगे ऊपर के लिए, मनाली के लिए स्ट्रेट, लांगजा, हिकिम और कॉमिक के लिए हमें राइट मुड़ जाना है। सुबह का मौसम है और मौसम में ठंडक काफ़ी ज़्यादा है, इनर लाइनिंग करके आया हूँ। गाइस वहाँ पर देखें, वहाँ पे पूरे बादल लग गए हुए उस साइड, और यहाँ पे बादल लगे लेकिन ये बारिश वाले बादल नहीं है, ये प्यारे बादल हैं। गाइस यहाँ पे एक बोर्ड है, लांगजा विलेज स्ट्रेट बता रहा है, छोटा बोर्ड भी, उसमें हिकिम हिमालयन कैफे लिखा हुआ है और हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिकिम, जो कि राइट में बता रहे हैं, राइट में ऑफ रोड शायद। तो हम पहले हिकिम हो आते हैं, फिर बाद में जाएंगे हम लांगजा। आई डोंट नो कितना ऑफ रोड होगा। गाइस आपको बता दूं, हिकिम जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है हिकिम, और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। मे भी कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी बन जाए रोड, लेकिन अभी के लिए तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा। तो पिछले 5-10 मिनट से मैं इसी रोड पे चला रहा हूँ, ऑफ रोड है पूरा, और नीचे आप देख सकते हैं कि वो काजा दिख रहा है यहीं से, और मैं काफ़ी हाइट पे आ गया हूँ। तो लेकिन एक चीज़ है, सुबह से मैंने कोई यहाँ पे व्हीकल नहीं देखी है, ना किसी को जाते हुए ना किसी को आते हुए, मैं अकेले हूँ इस रूट पे। तो गाइस देखिए अब मैं कितनी हाइट पर आ गया हूँ, वो वहाँ के पहाड़ मेरे आई लेवल पे आने लग गए हैं, और अभी चढ़ाई चढ़ने में हूँ, निशाने और कितना ऊपर है, इसीलिए तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। तो गाइस ये चेकआउट कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया यहाँ पे, टोटल ऑफ रोड, और वो नीचे आप देखने में आ रहा हो पूरे काजा टाउन दिख रहा है। सामने मेरे को कुछ फ्लैग्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। नाइस, ब्यूटीफुल। This one scares me. Stall है वहां पर, बेबी वहां से व्यू पॉइंट हो। काजा का कंप्लीट व्यू। वाह गाइस आप ये देखें, हिरन
वाह, आज हिरण के भी दर्शन हो गए मेरे तो। नीचे चले गए वो। इतनी देर बाद एक इंसान मिला है, शायद ये इसी गांव के होंगे। झूले झूले। तो गाइस ये रहा वो छोटा सा विलेज, सामने आप देख सकते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो गाइस ठीक नीचे आपको देखने मारा गया सिक्किम विलेज, और अभी सुबह के हो गए हैं एग्जैक्ट 9। तो थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फोटोज वगैरह कर रहे हैं। वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज में जाने वाले हैं, कॉमिक विलेज एक्सप्लोर करके आते हैं। गाइस वेलकम टू वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। पहुंच गया हूं, समय हो रहा है सुबह के 8:45 और मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग यहां पर पहुंच गया हूं। तो ये बंद है, बट यहां से अभी एक कॉमिक विलेज है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है। तो यहां से 4.1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी हाइट है 14,567 इन फीट और 4,440 इन मीटर्स। इसलिए वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। मैं उत्तराखंड। तो अभी निकल रहा हूँ कॉमिक विलेज के लिए, और यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है कॉमिक विलेज। तो कॉमिक विलेज गाइज वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है। तो ये है पोस्ट कार्ड मैग्नेट स्टिकर, तो यहाँ से ले लेते हैं पोस्ट कार्ड। ले रहा हूँ की मोनेस्ट्री, लांगजा और चंद्रताल लेक। मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है और इसको मैं पोस्ट करूँगा, और बाकी ये दो मैं साथ लेके जाने वाला हूँ। गाइस ये है वो पोस्ट कार्ड जो मैं पोस्ट करने वाला हूँ अपने घर को। हो गया, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट भी कर दिया है एक पोस्ट कार्ड। तब से निकलते हैं कॉमिक विलेज के लिए। तो गाइस यहाँ पर ऐसे सिक्किम विलेज में छोटे छोटे ऐसे ऐसे पेड़ हैं, पता नहीं इनका नाम क्या है, और कुछ ऐसे बुशेस भी हैं यहाँ पे, कांटे वाले हैं शायद, और पूरा एरिया ऐसा है। ये रही बाइक। मौसम यहाँ एकदम से क्लाउडी हो गया, थोड़ी देर पहले बढ़िया सी धूप आ रही थी और कुछ ही देर में यहाँ पे मौसम बदल गया। तो गाइज यहाँ से आ गई है पक्की सड़क फाइनली। वाह, तो पढ़ते हैं सीधे कॉमिक के लिए। यहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। So guys, welcome to world highest village, comic village. Oh, तो यहाँ पे कुछ मोनेस्ट्री दिख रही मेरे को, और एक छोटा सा गांव है यहाँ पे। Highest village in the world, connected with motorable road. Village comic, population 114, altitude है इसका 4,587 meter. Guys, welcome to world highest village, comic village, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। टाइम हो गया है 9:50 और काफ़ी ठंड है यहाँ पे, क्लाउडी मौसम हो रहा है। नीचे छोटा सा विलेज है और बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, और ऊपर की साइड में कुछ मोनेस्ट्रीज भी हैं। बहुत सुंदर विलेज है गाइस। ये है एक यहाँ पे मोनेस्ट्री, वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे एक चाय तो बनती है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक।
कॉमिक मोनेस्ट्री में और अंदर विजिट करके आते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट में चाय भी पी ली है। मस्त एरिया। अच्छा ये और है ये मेन मोनेस्ट्री और वो ये है तो हॉस्टल मॉन्क रहने की जगह। अच्छा ये रहने की जगह होगी। तो इसका कुछ नाम है कॉमिक मोनेस्ट्री। कॉमिक मोनेस्ट्री। अच्छा अच्छा मोनेस्ट्री के अंदर भी चला के दर्शन भी हो गए। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से। यहाँ बारिश होती है वैसे? हल्का होती है, ऐसे ही है बूंदाबांदी। निकलते हैं अब। तो गाइस यहाँ से अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज कॉमिक विलेज। बढ़ते हैं यहाँ से लांगजा की ओर को। कार्ड हमने भेजा है ना, वो कितने दिन में घर पहुँचता है? 10 दिन में। अच्छा ऑल ओवर इंडिया? हाँ। अच्छा अच्छा मेरा उत्तराखंड में है ना घर। अच्छा अच्छा मेरे को दो हिरन भी मिले वहाँ पे। हाँ हिरन, दो हिरन मिले, एक छोटा था एक बड़ा। गाइस ये रहा लांगजा विलेज और वो दूर वहाँ पे दिख रहा होगा आपको बुद्धा स्टैचू जो वहाँ का फेमस अट्रैक्शन है। बुद्धा स्टैचू तो ये रूट है बुद्धा स्टैचू के लिए। उसके बाद हमको यहीं से रिटर्न काजा के लिए आना पड़ेगा। यहाँ पे बारिश हुई है थोड़ी सी। झूले। सो गाइस मेड टू लांगजा, एक विलेज वहाँ पर दिख रहा मेरे को और सामने आप देखने में आ रहा होगा बुद्धा स्टैचू और नीचे भी पूरा विलेज एरिया है। यहाँ का मौसम यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे क्लाउड्स लगे हुए हैं और बारिश भी हो रही है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली आई मेड इट टू बुद्धा स्टैचू। और एक पीछे आप देख सकते हैं कि फेमस बुद्धा स्टैचू है जो यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लांगजा का बहुत खूबसूरत विलेज है। अभी समय हो रहा है 11:05 और मेरे को यहाँ से निकलना है अब काजा के लिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, साइट सीइंग की, अब निकलना है यहाँ से काजा के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे बारिश हो रही है, मौसम क्लाउडी है, तो निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके। फाइनली इस जगह को अलविदा बोलने का वक्त आ चुका है और निकलते हैं अब सीधे काजा के लिए। क्लाउडी हो गया वेदर, नहीं तो बहुत अच्छा टाइम लैप्स आना था। काजा के लिए हमें उस रूट से जाना है। बारिश का मौसम हो गया है और बारिश लगी पड़ी है, बूंदाबांदी चालू है ये। तो मेरे को गोप्रो और सारा सामान जो एक्सपोज हो सकता है
रखना पड़ेगा बैग के अंदर। लांगरा से निकल गए थे काजा के लिए, काजा आपको दिख रहा होगा सीधे वहाँ पे, काजा विलेज। और अभी क्या है कि एकिम से एक गुरुजी मेरे साथ आए हुए हैं, साथ भी हो गया, और हम लांगजा होते हुए अब काजा जा रहे हैं। थोड़ी बारिश भी हो गई, मैं गीला भी हो गया। गुरु जी यहाँ पे है। हाँ जी जी, नमस्ते, मेरा नाम नौरू केसव है, मैं एकिम गाँव से हूँ। तो मैं एकिम से काजा तक बाइक साथ लिफ्ट किया आया हूँ, तो पहुँच गया, काजा पहुँचने वाला है थोड़ी देर के बाद। तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ, और बात करते करते लांगजा से काजा तक का थोड़ा लॉन्ग रूट रहता है, तो उसमें बोर हो जाता मैं अगर अकेले आता तो। तो गाइस फाइनली मेड इट टू माय होम स्टे, और पूरा एक्सप्लोर करके आगे। रास्ते में बहुत बारिश मिली, थोड़ा गीला भी हो गया, बट ज़्यादा नहीं मिली, थोड़ी बहुत बारिश थी। तो अब आ गए हैं रूम पे, पिकअप करते हैं, राइडिंग गेयर्स पहनते हैं और निकलते हैं यहाँ से।